वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की पाठशाला। तो आज हम बात करने हैं रेलवे वैकेंसी की जो नई अपडेट निकल के आई एलपीओ टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे एलपीओ टेक्नीशियन की जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया गया और कट ऑफ मार्क और रिजर्व कट ऑफ कितनी गई है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस अपडेट मिलते रहें। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिस। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिस जो आपके आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बिलासपुर की तरफ से जारी हुआ है। ये आपके 9 तारीख को जारी हुआ है, 9 फरवरी को जारी हुआ है। और यहाँ पे कैटेगरी नंबर आपके जो 6 आती है उसमें 134 कैटेगरी नंबर जो दे रखी है टेलीकॉम सिग्नल, और यहाँ पे कैटेगरी नंबर जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आता है उसके लिए यहाँ पे जारी हुआ है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट को यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टेड किया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे 2 स्टूडेंट का यहाँ पे रिप्लेसमेंट जारी हुआ है। तो जिसका भी रोल नंबर है एक बार देख ले, तो आपको ये सारी जानकारी आपकी ईमेल पर भेज दी गई होगी, तो आप देख ले, आरआरबी की तरफ से आपको मेल आया होगा, ठीक है। और बाकी ऐसा फॉर्मेलिटी दे रखी है, आप जाइए एक बार। और कट ऑफ मार्क फॉर रिवीजन कट ऑफ मार्क की बात करें तो यहाँ पे 82 गई है रिजर्व की, तो देख सकते हो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई गई है। यहाँ पे 134 कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल जो आपके सेंट्रल रेलवे आता है उसके अंतर्गत यहाँ पे 82.40 यहाँ पे आपके कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हो कि अभी बहुत ही जगह आरआरबी के सभी जोन से यहाँ पे सभी जोन से कट ऑफ जारी हुई है। यहाँ पे जेई की भी कट ऑफ जारी हो रही है, और यहाँ पे आपके एलपी और टेक्नीशियन की भी हो रही है, एसएससी की भी हो रही है, आईटी की भी हो रही है। तो जितने भी मतलब वैकेंसी पेंडिंग है उनके यहाँ पे उन वैकेंसीज को भरा जा रहा है। आपको पता होगा कि 3 लाख प्लस यहाँ पे वैकेंसी चल रही ये रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज के लिए। और आपके 2022 दिसंबर तक तो आपके इन्होंने एक नोटिस जारी किया है न्यू दिल्ली की तरफ से कि आपके जितने भी खाली है या फिर जिनकी वेटिंग चल रही है उनको क्लियर किया जाए और उनको उन सीटों को भरा जाए। तो आप देख सकते हो कि जैसे इनकी सीटें भरी दी जाएगी उसे आपकी नई वैकेंसी के आने की संभावना है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। आर एम एस में भी आपके जो आपके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस होती है उसमें भी आपके एक नई पोस्ट अनाउंस कर दी गई है। पहले ये UPSC कराती थी, पर अब ये आपके इंडियन रेलवे ही कराएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।